नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल माटी और मैं में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेरीगेटेड प्लांट्स के बारे में। पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है, आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, आप देखिएगा लोगों में बहुत क्रेज़ बढ़ा है वेरीगेटेड प्लांट्स का। वेरीगेटेड प्लांट्स का मतलब है जिन पत्तों में ऐसे दूसरे कोई रंग, सफ़ेद हो, कभी कलर्ड भी होते हैं। तो ये जितना इसका क्रेज़ बढ़ा है, उतना ही नर्सरीज़ ने इसको और टिशू कल्चर से, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से देशों में टिशू कल्चर से इसको बहुत तरह तरह के नए नए रंग उन्होंने विकसित किए हैं। पर दोस्तों, वो बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं। आप एक एक प्लांट मैंने देखा है मॉन्स्टेरा का वेरीगेटेड 5,000, 7,000, 10,000 तक का प्लांट है। तो हम कैसे, अगर हमें वेरीगेटेड का बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत वेरीगेटेड का शौक़ है, पर मैं कभी भी ज़्यादा पैसे वेरीगेटेड पे खर्च नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से देसी ऐसे प्लांट्स हैं जो उन टिश्यू कल्चर प्लांट से कहीं ज़्यादा सुंदर हैं और कम पैसे में। तो आप अपना शौक़ ज़रूर पूरा कर सकते हैं कम पैसों में, बिना वो इतने एक्सपेंसिव प्लांट खरीदे हुए। तो आपको मैं दिखाती हूँ टिशू कल्चर वर्सेस हमारे ये देसी प्लांट, जिनका जो जेनेटिकली चेंज नहीं किए गए हैं, जिनको टिशू कल्चर से नहीं, ये नॉर्मली ऐसे ही ये अपने हैबिटेट में पैदा होते हैं। तो सबसे पहले उसमें एक प्लांट है जो आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, वो है ये पोथोस, ये मार्बल क्वीन। देखिए कितना सुंदर वेरिएशन है इसमें, ये देखिए वेरिएशन, देखिए कितना सुंदर है। ये वाला पत्ता देखिए, ये पत्ता, अगर आपको वेरिएशन का शौक है तो मार्बल क्वीन बहुत, और कोई महंगा नहीं है, आपको लोकल नर्सरी में हर जगह मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको वेरीगेटेड प्लांट्स का शौक है, तो बजाय इसके कि आप टिशू कल्चर वाले महंगे पौधे खरीदें और इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले पौधों के पीछे भागें, आप अपने देसी पौधों को देखिए कितने सुंदर हैं, वेरीगेशन है इसमें। आपको शफलेरा का बहुत सुंदर वेरीगेशन मिल जाएगा, लोकल नर्सरी में मिलता है। बोगनवेलिया वेरीगेटेड मिल जाएगा, वो भी आपको लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। और ये देखिए एक बहुत ही ऑर्डिनरी प्लांट है, बहुत सुंदर है, वो है ये वेरीगेटेड हाइबिस्कस। ये देखिए इसके पत्ते देखिए कितने सुंदर, वेरीगेटेड गुड़हल है ये। मैं इसको आपको घुमा के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर है। और ये जो देसी पौधे हैं ना, इसमें और आपके जो हाइब्रिड वाले हैं, ये जो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, इनमें एक डिफरेंस भी है। देखिए ये जो पौधा है ये, क्योंकि इसके जेनेटिकली ये ऐसा ही है, तो कहीं पे भी आप इसको रखेंगे इसका वेरिएशन हमेशा ऐसा ही रहेगा। हाँ, ज़्यादा लाइट में रखेंगे तो वेरिएशन और बढ़ जाएगा। ये मेरा बहुत ब्राइट लाइट में है, इसलिए इसमें इतने खूबसूरत से वाइट वेरिएशन ज़्यादा है। अगर इसको आप थोड़ा कम लाइट में रखेंगे थोड़ा ग्रीन हो जाएगा, पर इसका वेरिएशन जाएगा नहीं। पर टिशू कल्चर के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए ये टिशू कल्चर वाला, ये पीस लिली है वेरिएटेड, पर ये टिशू कल्चर से बनाया गया है। तो क्या हुआ है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब लाएँ तो ये बहुत वेरीगेटेड सुंदर लगे, पर आप घर में ला के जब उसको रखें तो उसके धीरे धीरे सारे पत्ते ग्रीन हो जाएँ। तो इस वेरिएशन का कोई भरोसा नहीं है, कभी ये वेरिएशन रहेगा और कभी ये चला जाएगा। अब ये देखिए, अभी ये 2-3 साल बाद इसमें पता नहीं कैसे फिर से वेरिएशन वाले 2 वेरीगेटेड पत्ते आए हैं, पर इनकी कोई गारंटी नहीं है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये ऐसे ही रहेंगे, जबकि आपका ये जो देसी पौधा है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बस लाइट का फ़र्क होने से थोड़ा वेरिएशन कम ज़्यादा हो सकता है। पर दोस्तों, अगर आपको वेरीगेटेड प्लांट्स का शौक है, तो प्लीज़ आप इंस्टेड ऑफ बाइंग वो इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स खरीदने की जगह आप ये सब अपने देसी प्लांट लगाइए, ये भी उतने ही सुंदर है। बताइए इसमें क्या ज़रूरत है फूल की, अगर ये पौधा ही इतना सुंदर है। और इस पौधे से मैंने इस मदर, और सबसे बड़ी बात, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इस मदर प्लांट से मैंने बहुत पौधे बनाए हैं, बहुतों को गिफ्ट किया है, इसीलिए ये इतना, जितनी बार मैं काटती हूँ उतना और घना होता जाता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का, इसको प्रोपोगेट करने का। इसका थोड़ा सा वुडी पार्ट, कोई भी वुडी पार्ट ले लीजिए, इसका ये जो वुडी पार्ट है
बहुत मोटी ब्रांच की भी ज़रूरत नहीं है, बूटी पार्ट मैंने तो दोनों तरह से करा है। इसको पानी में रखिए तो भी ये बहुत अच्छे से, इस बूटी पार्ट काटिए, यहाँ से ब्रांचेस काटिए और सिंपली उसको नीचे से पत्तियाँ हटा दीजिए जितना पानी में जा रहा है भाग, और पानी में रख दीजिए और देखिएगा 2 महीने 2-3 महीने बाद इसमें से नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ईजीली ये प्रोपोगेट हो जाता है। और इसको आप मिट्टी में भी चाहें तो कर सकते हैं, वही है तरीका। इसकी ब्रांच काटिए और ये रूटिंग हार्मोन है, हर जगह मिल जाता है, हर नर्सरी में रूटिंग हार्मोन है। इसमें थोड़ा सा इसको इसको मतलब इस डिप करिए, डिप पाउडर है ये, तो उसकी जहाँ कटिंग है काटा गया वहाँ पर लगा लीजिए इसको और मिट्टी में लगा दीजिए और ये बहुत जल्दी से उग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वेरीगेटेड प्लांट्स का शौक है तो आप वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के महंगे पौधों के पीछे मत भागिए। मैंने शुरू शुरू में बहुत पैसा खर्च किया, बहुत वेस्ट किया है वेरीगेटेड प्लांट्स ऐसे खरीद के, लेकिन वो फिर चले नहीं, और चले भी तो वो ये देखिएगा ये पीस लिली वाला हाल हुआ है। वो लाते तो वेरीगेटेड है पर वो बाद में ग्रीन हो जाता है। तो आज का टॉपिक यही था कि अपने देसी प्लांट वर्सेस टिश्यू कल्चर प्लांट, तो आप खुद ही निर्णय करिए कि आप किस तरफ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी देर का शौक होता है पर उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है और वेरिगेशन का कोई भरोसा नहीं होता कि वो वेरिगेशन वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों आशा है ये छोटे से टिप आपको पसंद आई होगी और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से दिखाऊँ आपको, ये मार्बल क्वीन देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए वेरिगेशन, देखिए वेरिगेशन ही चाहिए ना आपको, तो वेरिगेशन अपने देसी बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत सुंदर वेरिगेशन होता है और ये वेरिगेशन कभी जाएगा भी नहीं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था और आशा है आपको ये पसंद आया होगा, यूज़फुल लगेगा, और आप अपने देसी पौधों को तरफ, हमको अपना फौना फ्लोरा को बहुत प्रिजर्व करना है तो हमें अपने देसी चीज़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम इंस्टाग्राम में जो देश विदेशों में हो रहा है उसको फॉलो करें। तो आशा है आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आइकन बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।